कह रहा है रिया, अगर मदन कल तेरे से नहीं मिला तो वो गया कहाँ? वो सब अपने को नहीं मालूम, पर आज रात आपका काम हो जाएगा। ठीक 2 बजे मैं उस डाक बंगले पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा कमरा कॉरिडोर के बाईं तरफ है। आज रात अपने घर का दरवाजा खुला रखना साहब। लेकिन और तो कोई नहीं होगा वहां? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भी किसी बहाने से बाहर निकल जाऊंगा और घर के बाकी सभी लोग सो रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारा काम तो हो जाएगा ना? फिक्र मत करो साहब, आज की रात आपकी बीवी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम ये रखो। क्या हुआ प्रीति, तुम चिल्लाई क्यों और तुम बेहोश कैसे हो गई? पुष्कर, मैंने एक बहुत ही भयानक नजारा देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा क्या देख लिया तुमने? पुष्कर, यहाँ पे एक अंग्रेज औरत थी, वो एक आदमी को मार रही थी, अपने दांतों से उसकी नसें काट के। उसके सर पर हैवानी अच्छाई हुई थी। अंग्रेज औरत,
किसी को मार रही थी। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? जब हम सब यहाँ अभी कमरे में आए, यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। पुष्कर, मेरी बातों का यकीन कर, मैं सच बोल रही। हो सकता है वो अभी भी यही कही हो और उसने वो लाश छुपा दी हो। कैसी अंग्रेज औरत प्रीति, तो पहले ही हम मदन और राघव की वजह से इतने परेशान हैं, तुम ये ऊपर से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। दादी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो फिर मैं बेहोश क्यों होती? बेटी, मैं ये तो नहीं जानती कि जो तुम कह रही हो वो सच है या तुम्हारा भ्रम है, पर इस मनहूस जगह पर हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन दादी, जब तक मदन और राघव का पता नहीं चल जाता, हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? देखो, हम लोग कल तक मदन और राघव का इंतजार कर लेते हैं, और अगर कल तक भी वो लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। प्रीति, अब तुम सो जाओ। हो सकता है कि थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें आ रही हों। तुम सो जाओ। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं, पर जो मैंने देखा है वो मेरा वहम नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राघव और मदन का यहाँ आते ही इस तरह गायब हो जाना, रात को वो घुंघरू की आवाजें, और जो मैंने आज देखा, आखिर कौन थी वो? यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? ये जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। अरे ये चाबी तो देखो, आजकल की चाबियों से कितनी अलग है ना। मैं हूं पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर तुम इस वक्त, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब सो रहे थे। अच्छा, ये हरिया कहां रह गया? पता नहीं कहां मर गया। मैंने खुद उसको पैसे देकर 2 बजे आने को कहा था, लेकिन अब तो 4 बजने वाले हैं। ठीक, सुनकर तो ऐसा लगा जैसा हमारा काम ही हो गया। मगर वो नाकिन अब तक जिंदा है। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। वो कैसे? तुम बस मेरा प्लान ध्यान से सुनो। तुम वो सफेद ड्रेस और घुंघरू पहनकर उसका दरवाजा खटखटाओगी। वो दरवाजा खोलेगी, तुम कॉरिडोर वाले रास्ते से होकर बालकनी में जाना। आत्मा समझकर वो तुम्हारा पीछा करेगी बस, और फिर तुम उसको उस वक्त बालकनी से धक्का दे देना, और फिर सब सुबह सोचेंगे कि उस आत्मा ने उसको मार डाला।
वो चाबी? यही तो थी। लगता है ये वही बंद दरवाजे की चाबी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घुंघरू, लगता है ये कमरा किसी नाचने वाली का था। औरत के साथ 1945, 65 साल पुरानी तस्वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बाबा, मेरे पति और इस औरत की तस्वीर, ये सब क्या है? पुष्कर तुम्हारे इस जन्म का पति है और ये फोटो उसके पिछले जन्म का है, जब वो मेरी मालकिन मर्लिन का पति था। पिछले जन्म का फोटो? हाँ, बात सन 1945 की है, जब पहली बार मर्लिन नेम साहब अपने पिता के साथ इस डाक बंगले में आई थी। के रीति रिवाज, तीज त्योहार सब इतने भागे कि वो दिल से हिंदुस्तानी बन गए। यहाँ तक कि हमारे देश के लोक नृत्य से भी वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद वो नृत्य एक मास्टर से सीखना शुरू कर दिया। और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे इस जन्म का पति पुष्कर था। मैम साहब को पता भी नहीं चला कि कब वो उस मास्टर के इतने नजदीक आ गई कि उनका रिश्ता गुरु शिष्य का ना रहकर दो प्रेमियों का बन गया। पिता के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया, उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस डांस टीचर से शादी कर ली। पर उसने मेम साहब से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी और फिर उसी दौलत के लिए उसने मेम साहब का खून कर दिया। उन्हीं घूंघरों से जिन्हें पहनकर कभी वो नाचा करती थी। आ, 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 आ,
तब से लेकर आज तक मरली मेम साहब की आत्मा इस डाक बंगले में पटक रही थी अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और उसने बदला लिया भी। जिस घुंघरुओं से उसने उनकी जान ली थी, एक दिन वही घुंघरू उसकी मौत का कारण भी बने। लेकिन मार्लिन ने पुष्कर से बदला ले लिया था ना, तो फिर भी उसकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों भटक रही है? आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती, खासकर ऐसी आत्मा जिसे धोखे और बेवफाई की चिंगारियां पल पल जलाती हो। तो क्या वो पुष्कर से एक बार फिर बदला लेना चाहती है? पता नहीं, चाहे पिछली जन्म में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इस जन्म में वो मेरी सुहाग है और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। परमिता, आंखें खोलो परमिता, ये सब क्या हो गया? परमिता, परमिता तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। परमिता, पुष्कर, परमिता आंखें खोलो। परमिता, परोमिता, 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 पुष्कर, मैंने तुम्हें जो वो अंग्रेज औरत के बारे में बताया था ना, वो तुम्हारे पिछले जन्म की बीवी है, उसी ने हमारी परोमिता को मार डाला। पुष्कर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे। चलो यहाँ से भाग जाते। बकवास मत करो, परोमिता को किसी हाथ पर नहीं बल्कि तुमने मारा है, तुमने। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया था। प्लान? कैसा प्लान? तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान। क्या? उस रात गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि मदन ने जानबूझकर खराब करवाई थी। हमने एक खूनी को तुम्हारी सुपारी दी थी और इस डाक बंगले में तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, और वो आत्मा और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी बहन परोमिता है, जो तुम्हें डराने के लिए सफेद ड्रेस और घुंघरू में इस डाक बंगले में घूमा करती थी। हमने सोचा था कि वो खूनी तुम्हें मार डालेगा और सारा इल्जाम उस बेचारी आत्मा पर आ जाएगा, लेकिन तुम तो दो कदम आगे निकली। हाँ, तुमने परोमिता को ही मार दिया। पर मुझे तुम पुष्कर, तुम मुझे क्यों मार देना चाहते थे? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ पुष्कर। नहीं नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं परोमिता से प्यार करता था। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रखी थी, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाती, और फिर मैं खुशी खुशी अपनी परोमिता के साथ शादी कर लेता। चंद रुपयों के लिए तुम मुझे मार देना चाहते थे? मरना तो तुम्हें अब भी होगा,
पर उमिता का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। पुष्कर, पुष्कर ये तुम क्या कर रहे हो? पुष्कर, 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 पुष्कर। कौन हो तुम? जो मर्लिन के साथ हुआ वो मैं प्रीति के साथ नहीं होने दूंगी। तुझे मरना होगा, एक बार फिर तुझे मरना होगा। प्रीति, प्रीति, प्रीति।